अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटे यहाँ पे क्वेश्चन है, पी के की वैल्यू आपको गिवन है 4.7 और पी एच की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, जबकि 0.1 मोलर ए सी टी केसर मतलब साल्ट की कंसनट्रेशन आपको गिवन है 0.1 मोलर, और 0.01 मोलर जो है वो आपके पास सोडियम एसीटेट मतलब आपके पास सॉरी जो ए सी टी केसर है ये आपके पास एसिड की कंसनट्रेशन आ जाएगी, और जो सोडियम एसीटेट है ये आपके पास साल्ट की कंसनट्रेशन आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.01 मोलर। अब आपको पी के ए की वैल्यू भी दे दी गई है, वो है हमारे पास 4.7 और आपसे पी एच के बारे में पूछा जा रहा है। तो पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन होती है, हेंडरसन इक्वेशन। इसके मुताबिक अगर आपको पी के ए साल्ट और एसिड की कंसनट्रेशन गिवन हो तो आप पी एच की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पी एच इज इक्वल टू पी के ए की वैल्यू 4.7 प्लस लॉग साल्ट की कंसनट्रेशन है 0.01 डिवाइडेड बाई एसिड की कंसनट्रेशन है 0.1। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 4.7 प्लस लॉग 0.01, अगर मैं इसके पॉइंट को ख़त्म कर दूँ तो आपके पास 100 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से जो नीचे 0.1 है इसके आप पॉइंट को ख़त्म कर दें तो ये 1 आ जाएगा। तो 10/100 आपके पास लॉग की वैल्यू 1/10, या आप इसे लॉग 10^-1 भी लिख सकते हैं। लॉगरिथम रूल के मुताबिक 10 की पावर जो भी होगी आप उसको उठा के लॉग से पहले लिख लेते हैं। तो 4.7 प्लस 10^-1 वाला ये -1 आ जाएगा और लॉग इंटू 10, लॉग 10 की वैल्यू हमारे पास 1 ही होती है। तो 4.7 प्लस -1 लॉग 10 की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 × 1 1 ही आएगा। तो 4.7 -1 आपके पास यहाँ पे जो आंसर है वो 3.7 बनेगा। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर विल बी अल्फा। तो बेटा ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, आपको किसी भी किस्म का मसला इस क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।